अदिति श्रीवास्तव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डाइट लखनऊ से डीएलएड के लिए एससीईआरटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2000 पर चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा निर्मित एक नेशनल डॉक्यूमेंट या राष्ट्रीय दस्तावेज है। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षण अधिगम, आकलन एवं व्यवस्थागत सुधार के बारे में इसमें बात की गई है। ये एनसीएफ 2000 जो डॉक्यूमेंट है उसका कवर पेज है। आज के व्याख्यान के उद्देश्य हैं पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक निर्माण की अवधारणा को समझना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने की आवश्यकता को समझना, शिक्षण अधिगम के विभिन्न आयामों की समझ विकसित करना तथा मूल्यांकन एवं आकलन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को समझना। सबसे पहले हम समझते हैं कि करिकुलम फ्रेमवर्क या पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है। करिकुलम फ्रेमवर्क किसी भी कोर्स या प्रोग्राम की विषय वस्तु का निर्धारण एवं निर्माण का एक ढांचा है। करिकुलम शिक्षा को दिशा निर्देशित करने वाले सिद्धांतों का दस्तावेज है जिसमें तीन मुख्य बातें आती हैं। पहला है छात्रों को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है और छात्रों द्वारा सीखे हुए की जांच। छात्रों को क्या सिखाना है मतलब विभिन्न विषय एवं उनके अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का चयन। कैसे सिखाना है यानी शिक्षण अधिगम की विधियां, और छात्रों द्वारा सीखे हुए की जांच यानी आकलन और मूल्यांकन कैसे करनी है। पाठ्यचर्या या करिकुलम से मिलता जुलता एक शब्द है पाठ्यक्रम या सिलेबस। अक्सर इन दोनों शब्दों में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो एक बार देख लेते हैं पाठ्यक्रम या सिलेबस से क्या तात्पर्य है। किसी भी क्रम या स्तर के अनुसार या कक्षावार पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु जैसे कि कक्षा पहली, दूसरी या तीसरी का क्या पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, उसको मतलब कोई भी पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है उसको हम कहते हैं पाठ्यक्रम या सिलेबस। बच्चों पर पाठ्यचर्या के बोझ को देखते हुए यशपाल कमेटी की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन जो कि 1993 में आई थी, इसके प्रकाश में एमएचआरडी की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 जो उसका विकास हुआ। एनसीएफ को पूरा करने का कार्य तत्कालीन एनसीईआरटी निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हुआ था। एनसीएफ का उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के पांच अध्याय हैं। पहला है परिपेक्ष्य, दूसरा सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चौथे में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण के बारे में है, और आखिरी और पांचवा अध्याय व्यवस्थागत सुधार। प्रथम अध्याय परिपेक्ष के बारे में है यानी एक बैकग्राउंड। देखते हैं कि एनसीएफ के निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। इसके पांच प्रमुख निर्देशक सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। पढ़ाई जो है वो रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी जो ये रोट लर्निंग है उसको सुनिश्चित करना कि ये जो रोट लर्निंग है इससे मुक्त होकर है। पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान कराए जिससे कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना रह जाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत थोड़ा लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और इसका आखिरी निर्देशक सिद्धांत है एक ऐसे अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। पहले अध्याय के कुछ मुख्य अंश हैं।
सबसे पहली बात आती है कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन अनुभव से जोड़ना। उसके बाद समाज के हाशिए पर रहने वाले बच्चे, उनके काम से जुड़े जो भी उनका ज्ञान कौशल है उसको सम्मान, संचित मानवीय अनुभव, ज्ञान और सिद्धांतों को संदर्भ में रखना, बच्चों को पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, शांति की संस्कृति का निर्माण शिक्षा का एक उद्देश्य है। शिक्षा का जो सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है उसको समझने की आवश्यकता है, और समावेशी शिक्षा। इसका द्वितीय अध्याय सीखना और ज्ञान, यानी लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में। बच्चे अपने आसपास की दुनिया से बहुत ही एक्टिवली जुड़े रहते हैं, वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, खोजबीन करते हैं, चीज़ों से खेलते हैं, जोड़ते तोड़ते हैं चीज़ों को। इसी से उनकी समझ बनती है और नए ज्ञान का सृजन होता है। तो जब हम लर्निंग और नॉलेज की बात करते हैं तो इस अध्याय के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं, जिसमें से कि पहला है सक्रिय विद्यार्थी की प्राथमिकता, यानी कि जो लर्नर्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाने की ज़रूरत है। बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं जो वो अपने घर से लेके अपने समुदाय से लेके आते हैं उनको क्लासरूम तक लाने की आवश्यकता है, और उन्हें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो क्लास में एक्टिव रहे। दूसरी बात आती है जो विद्यार्थी हैं उनको संदर्भ में रखना। क्लास में टीचर्स जो है, अक्सर होता है क्लास में टीचर्स लेक्चर लेते हैं और उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। लर्नर्स या जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं एक पैसिव रेसिपियंट्स बनकर रह जाते हैं। वो किताबी ज्ञान को पढ़ते हैं, दोहराते हैं। तो करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे सवाल जवाब करें, स्वयं कुछ जांचें परखें, अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान से जोड़ें। इसके बाद बात आती है विकास और सीखना, यानी डेवलपमेंट और लर्निंग की। डेवलपमेंट के अलग-अलग स्टेजेस होते हैं बच्चों के, जैसे इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। तो ये शैशव काल से लेके किशोरावस्था में बच्चे के अंदर बहुत तीव्र परिवर्तन आते हैं, चाहे हम बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें। तो बच्चों के शारीरिक विकास को देखते हुए स्कूल में अनेक तरह के गेम्स होते हैं, योगा सिखाया जाता है, और ये जो गेम्स या खेल हैं इनसे सिर्फ बच्चों का शारीरिक विकास ही नहीं होता, इसके द्वारा बच्चे बहुत सी सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। अगली बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञान का अर्थ है कर्म और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। हमारा उद्देश्य है कि जानकारी को इकट्ठा करना या रटना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को मन में अवधारणाएं बनाना चीजों के प्रति, तार्किक क्षमता, क्रिटिकली सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, इन सभी एबिलिटीज उनके अंदर आए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चे अक्सर मानसिक रूप से तैयार होता क्या है, उससे पहले ही उन्हें पढ़ा दिया जाता है। बहुत से फैक्ट्स उन्हें याद तो रह जाते हैं पर हो सकता है वे उन्हें समझ ना पाए और ना ही आसपास की दुनिया से इसे जोड़ पाए। अगली बात आती है पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के लिए नियतार्थ। इसमें करिकुलम और प्रैक्टिस की बात आती है। हमेशा से कहा जाता है कि टीचिंग जो है वो नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। हम बच्चों को हमेशा सवालों का जवाब देने के लिए कहते हैं, कभी इसका उल्टा भी करके किया देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चों को ये जवाब दिया जाए कि वह लाल थी या वह लाल था, और उनसे कहा जाए कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रश्न है कि वह लाल था या वह लाल थी, हो सकता है बच्चे कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के साथ सामने आए। फूल का रंग क्या था? वह अचानक ट्रैफिक लाइट के पास क्यों रुकी? तुमने पत्र को उस बक्से में क्यों डाला? तो अगर हम सोचें तो इन सभी का जवाब कहीं ना कहीं होगा कि वह लाल थी या वह लाल था। ट्रैफिक लाइट पर रुका क्योंकि उसका रंग लाल था, पत्र को उस बक्से में डाला क्योंकि वो पोस्ट बॉक्स था और उसका रंग जो है वो लाल था। तो क्लास में पूछताछ, एक्सप्लोर, प्रश्न पूछना, चर्चा, नए विचार, इन सभी की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद अंतःक्रिया या इंटरैक्शन की बहुत इम्पोर्टेंस है। बच्चे वातावरण, प्रकृति, अन्य चीजों के साथ
अन्य लोगों से मिलते हैं, उनकी संगत में बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, और इस प्रकार से बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। क्लासरूम में भी ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, इस तरह के कार्य दिए जा सकते हैं जिससे कि बच्चों का समूह में काम बच्चे समूह में काम करना सीखें, जिम्मेदारी लेना सीखें, उनमें सोशल स्किल्स डेवलप हों। साथ ही साथ बच्चों को सीखने के अनुभव देना बहुत जरूरी है। शिक्षा का एम सिर्फ यही नहीं उद्देश्य होना चाहिए कि एग्जाम में पास होना, बल्कि इसका उद्देश्य है अर्थपूर्ण सीखना। शिक्षा इस प्रकार की ना हो कि वो क्विज कल्चर को प्रमोट करे, जिसमें कि तुरंत ही सही जवाब देना होता है। जरूरी है स्टूडेंट्स की गहरी और मीनिंगफुल लर्निंग हो, यानी कि तथ्य केंद्रित ज्ञान ना हो। अगली बात आती है ज्ञान एवं समझ, या नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। करिकुलम ऐसा हो जिसमें बच्चों में एक समझ उत्पन्न हो, विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका मिले और बच्चे दूसरों के प्रति संवेदनशील बने। बच्चों के अंदर कुछ बुनियादी क्षमताएं होती हैं, जैसे भाषा एवं अभिव्यक्ति, संबंध बनाना और कायम रखने का प्रयास, कार्य व क्रिया संबंधी क्षमता। इसके बाद बात आती है ज्ञान को फिर से रचना। हम स्कूल करिकुलम में बच्चों में समझ की क्षमता, व्यवहार और कौशल विकसित करना चाहते हैं, और इसीलिए ज्ञान को फिर से रचने की आवश्यकता है। इसमें एक बात और आती है अलग से, कि भारत में करिकुलम कंस्ट्रक्शन को लेके क्या समस्याएं हैं। विजुअली होता है कि विषय आधारित, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स है, लैंग्वेज है, सोशल साइंस है, तो उस विषय क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद एग्जाम्स लिए जाते हैं और जांचने के लिए अंक या मार्क्स रखे जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान के वे रूप जो टेक्स्ट बुक्स के अंतर्गत नहीं आते, या जिनका मूल्यांकन अंकों के आधार पर नहीं हो सकता, अक्सर उनको एक तरफ करके एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज की श्रेणी में डाल दिया जाता है और इनको जैसे तैसे निपटा दिया जाता है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स, ड्रामा, थिएटर। ये जितनी भी कलाएं हैं, ये सौंदर्य बोध, रचनात्मकता, व्यवहारिक कौशल, इन सब की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, पर अक्सर बच्चों में ये जो कौशल हैं वो छूट जाते हैं। करिकुलम के निर्माण से लेकर को लेकर दूसरी समस्या है, विषयों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ज्ञान कहीं ना कहीं खंडित सा लगता है। उसके बाद पहले से मौजूद ज्ञान को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दे दी जाती है। फिर नए विषयों को शामिल करना, समाज के समकालीन मुद्दे छूट जाते हैं या अलग थलग रह जाते हैं, और करिकुलम में शामिल करने के लिए ज्ञान के चयन का सिद्धांत। अगली बात आती है बच्चों का ज्ञान और स्थानीय ज्ञान। बच्चे जिस समुदाय से आते हैं, उनका जो भी लोकल एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लर्निंग में हेल्पफुल होता है। बच्चा अपने परिवेश के साथ इंटरैक्ट करता है और ज्ञान का सृजन करता है, पर जो टेक्स्ट बुक्स बनती हैं वो बच्चे के इस परिवेश को या इस एनवायरनमेंट को महत्व नहीं देती। और जहाँ तक हम स्थानीय ज्ञान की बात करें, तो इसमें फिजिकल, नेचुरल, जो भौतिक वातावरण है, और जो बच्चे का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण है, इसमें दोनों प्रकार का वातावरण आता है। बच्चे जब तक बुकिश नॉलेज को अपने परिवेश, सामाजिक वातावरण और अपने अनुभवों से नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक जो ज्ञान है वो सूचना मात्र है, वो रह जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो बच्चे रोज ही अपने आसपास पेड़ पौधे, फल, चिड़िया, पेड़ पत्ते, ये सारी चीजें देखते हैं, मौसम का बदलना, दिन रात के प्राकृतिक चित्र। पर हम टेक्स्ट बुक्स में कुछ निश्चित शब्दों और कह लें कि पिक्चर्स की मदद लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, यदि कोई टीचर एक कॉन्सेप्ट समझा रही है सजीव और निर्जीव के बारे में, या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चे आसपास मैदान में जाकर देख सकते हैं और फिर स्वयं अपने अनुभवों से एक सूची बना सकते हैं। जैसे कि गांव का एक बच्चा हो सकता है निर्जीव वस्तुओं की लिस्ट में घोंसला, मधुमक्खी का छत्ता, या उसकी माँ के द्वारा पहने हुए गहने, उनको भी हो सकता है वो अपनी लिस्ट में जोड़ सकता है।
बजाय वही कि सिर्फ वही उदाहरण जो कि किताबों में दिए गए हैं। यानी स्थानीय चीजें नेचुरल लर्निंग का एक अच्छा सोर्स होती है। फिर हम बात करें बच्चों के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की। समुदायों का सांस्कृतिक स्रोत, गाने, नाच, लोक कथाएं, लोकगीत और लोक कलाएं, ये सभी बच्चों की लर्निंग में हेल्पफुल होती है। स्कूली ज्ञान और समुदाय, यानी कि जो कम्युनिटी, बच्चा जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जो समुदाय के कुछ अनुभव या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें क्लासरूम तक लाया जा सकता है। जैसे कि सिविक्स की क्लास में ग्राम पंचायत को स्कूल में बुलाकर उनसे कहा जा सकता है कि वो अपने कार्यों के बारे में बताएं। किसान जो कि खेती करते हैं, हो सकता है वो मिट्टी के प्रकार के बारे में और खेती के प्रकार के बारे में बच्चों को आकर उनसे परिचित करा सकते हैं। किसी कुम्हार को, लकड़ी कारपेंटर को, इन सभी को कभी ना कभी समय के अनुसार, चूंकि बच्चे इन सब के बीच रहते हैं, तो इसलिए इनको स्कूली ज्ञान से सामुदायिक ज्ञान को जोड़ा जा सकता है। तृतीय अध्याय, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, यानी करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। पाठ्यचर्या के मुख्य क्षेत्रों के बारे में एनसीएफ में बात की गई है, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा एवं शांति के लिए शिक्षा, इसके बारे में बात की गई। इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। भाषा की बात करें तो हम मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण है एक बच्चे के जीवन में, क्योंकि ये बच्चे की बुनियादी भाषा एक क्षमता होती है। बच्चा मातृभाषा में आसानी से सीखता है। भाषा का व्यक्ति के विचारों और उसकी आइडेंटिटी से गहरा संबंध होता है, और भाषा ही है जो कहीं ना कहीं एक बच्चे या किसी भी व्यक्ति की आवाज या वॉइस। भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ाव के रूप में माध्यम का काम करती है। तो स्कूल में स्पेशली अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे शिक्षण का जो माध्यम है वो मातृभाषा होना चाहिए। और भाषा शिक्षण से मतलब केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं है, जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, उन सब की भी अपनी एक अलग भाषा होती है, अपनी एक अलग शब्दावली, अवधारणाएं होती है। इसके अलावा कविता, कहानी, गीत, नाटक के माध्यम से भी बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। इन सब के माध्यम से भी बच्चे व्याकरण सीख सकते हैं। द्वितीय भाषा सीखना, अंग्रेजी चूंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए इसको सीखने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बच्चों को भाषा सीखने में जो सहायक जो सामग्रियां हो सकती हैं, किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, उनको और ज्यादा एनरिच किया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनकी सहायता से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। पढ़ना लिखना सीखने में एक मुख्य बात आती है, कुछ ऐसे कौशल हैं जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं LSRW, या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। लिसनिंग की बात करें, सबसे पहले जब हम भाषा की बात करते हैं, जब तक हमें इनपुट नहीं मिलेगा तब तक आउटपुट नहीं मिल पाता। बच्चा जब सुनेगा, उसे एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग चीज़ों का, तब जाके वो बोलेगा। जैसे बच्चे घर में सबसे पहले सुनते हैं लोगों को बोलते हुए, फिर वो बोलना सीखते हैं। उसके बाद वैसे ही रीडिंग से संबंध है राइटिंग का। तो स्कूल में, क्लासरूम में बच्चों को कविता, कहानी और गीत सुनने के अवसर दें। उनसे उनके अनुभव, पसंद, नापसंद, खेल, तीज त्योहार, इन सब के बारे में चर्चा अगर की जाए, तो बच्चे ये सब अगर सुने, तो ये सब उनको बोलने के अगर अवसर मिले, तो उनमें भाषाई विकास अच्छे से होता है। उसके बाद भाषा सीखने सिखाने के क्रम की बात करें तो रीडिंग, बच्चों को रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, टेक्स्ट बुक्स के अलावा भी एक कल्चर ऑफ रीडिंग उसको डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे पर्सनल रीडिंग के लिए मोटिवेट। उसके अलावा बच्चों को लिखने के लिए कुछ भी कहानी है या निबंध है या क्रिएटिव राइटिंग, इस तरह के एक्सरसाइजेस दिए जा सकते हैं। अगली बात आती है गणित की। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है गणितीय सोच और क्षमताओं का विकास करना। गणित को बच्चों के जीवन में इसका भी महत्व है, क्योंकि बच्चों में संख्याओं की समझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि पैसों का लेन देन, समय देखना, मापन, मात्रा, आंकड़ों का महत्व, तो ये आवश्यक है कि बच्चे गणित से ना डरे।
गणित की पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और मूल्यांकन, इन सब में बदलाव की आवश्यकता है। विज्ञान, बच्चों में साइंटिफिक एक टेम्परामेंट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपने जैविक और भौतिक वातावरण को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। विद्यार्थी कौन सा जीव विज्ञान जानते हैं? मान लीजिए ग्रामीण और आदिवासी पृष्ठभूमि की बच्ची है, वो अपने दैनिक अनुभव में जंगल, पेड़ पौधे, खेत, बकरी चराना, भाई के साथ जाना, पैदल चलकर स्कूल जाती है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें उसे दिखती हैं और वो उनका अनुभव करती है। उसे पता होता है कि किस पौधे से क्या भोजन, दवाई, ईंधन या किस प्रकार से पौधे का कौन सा भाग है, किस तरह से क्या उसका उपयोग किया जा सकता है। वह शायद पेड़ पौधों के आधार पर मौसमी बदलाव को भी बता सकती है। आसपास के वृक्षों की पहचान या जानकारी उसे शायद अपने बायोलॉजी टीचर से ज्यादा होगी। फिर भी टीचर का यह मानना है कि बच्ची एक कमजोर विद्यार्थी है। क्या हम बच्ची की ऐसी मदद कर सकते हैं कि वह अपनी समृद्ध समझ को जीव विज्ञान की औपचारिक अवधारणाओं से जोड़ सके या उसमें बदल सके, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता। इसी क्रम में आगे है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को कहीं ना कहीं विज्ञान से कम महत्व दिया जाता है और उतना उपयोगी नहीं समझा जाता, जबकि देखा जाए तो इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह के कई सारे अन्य सब्जेक्ट्स आते हैं और इन सभी की समझ उतनी ही जरूरी है। विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या विकसित होती है, जैसे प्राइमरी लेवल पे उसे पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है और बाद में सोशल साइंस के रूप में। इसका भी एक उदाहरण समझते हैं कि जैसे पानी, साइंस में, विज्ञान में हम लोग पढ़ते आए हैं वाटर एंड इट्स स्टेट्स, या जल एवं उसकी अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर कभी हमने सोचा है क्या कि पानी के कुछ सामाजिक पहलू भी हो सकते हैं? जैसे बच्चों से पूछा जा सकता है कि जल कहाँ से आता है। हो सकता है एक गरीब परिवेश का बच्चा हो, वह यह बोले कि म्यूनिसिपैलिटी के नल से, यानी नगर पालिका या नगर निगम। तो कहीं ना कहीं बच्चे सोशल स्टडीज में इसके बारे में भी जान सकते हैं कि नगर पालिका और नगर निगम का क्या कार्य है। उसके बाद अगर प्रश्न किया जाए कि घर में पानी कौन भर के लाता है, अधिकतर केसेस में देखा जाए तो घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे मदर है या कोई बड़ी बहन है। अक्सर पानी भरने की, अगर आप देखिए, खुद अपने आसपास देखिए, जो लाइन लगी रहती है, अक्सर आपको वहाँ महिलाएं या लड़कियां ही देखेंगी। तो यहाँ बात आती है लेबर के जेंडर डिविजन, यानी श्रम का जेंडर विभाजन। फिर हम बात करें स्वच्छ जल क्यों आवश्यक है, तो इसमें स्वास्थ्य है, जल से उत्पन्न बीमारियां हैं, इन सब के बारे में बात की जा सकती है। तो हमने देखा कि कैसे सामाजिक विज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य विषय। कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन, इसमें विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी दृश्य और प्रदर्शन कला आते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आर्ट्स को कहीं ना कहीं एक हॉबी या मनोरंजक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। स्कूल में अक्सर प्रोग्राम्स और फंक्शंस होते हैं, स्कूल इंस्पेक्शन होते हैं, और ये जो कला है वो प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाती है। स्कूल में आर्ट्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, कला की समझ जो है वो विकसित नहीं हो पाती। नॉर्मली स्कूल्स में कला को नाच गाना, नाटक, इन सब से जोड़ा जाता है, पर इसके पीछे के उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए कला संबंधी जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। शीत ऋतु की एक सुबह है, टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से प्रातःकालीन दृश्य बनाने को कहा। बच्चे ने चित्र में प्रातःकालीन दृश्य के रूप में एक बैकग्राउंड, जो उसका बैकग्राउंड था, उसको कहीं गाढ़ा कर दिया और सूरज लगभग छिपा हुआ सब। टीचर ने उस बच्चे को डांटा कि यह क्या, प्रातःकालीन दृश्य में तो सूर्य को चमकना चाहिए। वास्तविकता देखी जाए तो असल में बच्चा उस वक्त क्लासरूम में खिड़की से बाहर देख रहा था। उस दिन सर्दी थी और अभी भी हल्का अंधेरा था, सूर्य काले बादलों के पीछे छिपा था। अब अगर इस बात पे हम गौर दें कि हम हमेशा प्रातःकालीन दृश्य को सूर्य के उगने से ही जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में कला संबंधी जागरूकता आवश्यक है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स है, संगीत, नृत्य, नाटक, किस प्रकार से वो हमारे लिए ज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से उपयोगी है, इसको समझने की आवश्यकता। आगे इसी क्रम में फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन,
इसीलिए बच्चों का स्कूल में स्पोर्ट्स है जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, योगा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड, इन सब की गतिविधियाँ होती हैं। काम और शिक्षा में वर्क एजुकेशन या SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क करवाया जाता है। शांति के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आज के समय में जितनी हिंसा, असहिष्णुता, कट्टरवाद ये सब फैलता जा रहा है, तो बच्चों में कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा इसकी देना आवश्यक है कि कैसे एक मानवाधिकार, न्याय, टॉलरेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का सम्मान करें और इन सबको समझें। नैतिक विकास का अर्थ बच्चों को यह आदेश देना नहीं है कि यह करो और यह ना करो, बल्कि वह यह सीख सकते हैं कि सही क्या है, दया क्या है एवं इस प्रकार की बात। अगली बात आती है आवाज और सीखना। जैसे कि बच्चे बच्चे का जो भी आवाज है वो कहीं ना कहीं सीखने में उसकी बहुत मदद करता है। फिर अध्ययन और आकलन की योजना है, इसको डिटेल रूप में आप NCF के डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं। इसमें बात की गई है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, फिर आरंभिक शिक्षा 1 से 8वीं तक, फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा, यानी स्तरवार किस प्रकार से अध्ययन हो और आकलन की क्या योजना है। तृतीय अध्याय में आखिरी बात की गई है आकलन और मूल्यांकन, यानी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। भारतीय शिक्षा में जो मूल्यांकन शब्द है वो बिल्कुल स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव से जुड़ा होता है। वर्तमान में प्रयोग होने वाली जो मूल्यांकन प्रक्रियाएं हैं वो कुछ ही योग्यताओं को मापती और आंकलित करती है। इसीलिए CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात सामने आती है और फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट की हम बात करते हैं। एग्जाम्स की बात करें तो यूजुअली टेक्स्ट बुक्स है उसमें क्या है उसको याद करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है एग्जाम्स में। तो प्रश्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए और कहीं ना कहीं छात्रों का क्वालिटेटिव असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो स्पर्धा या कॉम्पिटिशन की भी बात आती है। तो स्पर्धा जरूरी क्या है कि सिर्फ बाह्य प्रेरणा ही ना मिले बच्चे, बल्कि बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन भी मिले सीखने के लिए। बच्चों को शुरू से ही पहली, दूसरी, तीसरी ये रैंक आई, इस ग्रेड्स में बांटा हमने, इन सब के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर बच्चों को स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इसके अलावा लर्निंग के रिजल्ट्स ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस का भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। तो विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार से आकलन हो सकता है, जैसे मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, ऑब्जर्वेशन, छोटी परीक्षाएं, और आगे हायर लेवल पे जाके जैसे बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क है और इस प्रकार से अनेक। चौथा अध्याय बात करता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसमें क्लास के और स्कूल के भौतिक वातावरण की बात आती है क्योंकि भौतिक वातावरण जो है वो लर्निंग को बहुत प्रभावित करता है। कि अगर टीचर चाहे तो कक्षा में बच्चों को छोटे समूह में बैठा सकता है, बड़े घेरे में बैठकर कहानी सिखा सकता है। क्लास में कुर्सी, मेज या दरियों की व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है, पर अक्सर होता क्या है, अधिकांश विद्यालयों में भारी लोहे की बेंचें और टेबल्स होती हैं, एक कतार में लगाई जाती हैं। और होता क्या है, ये शिक्षक और ब्लैक बोर्ड केंद्रित सीखने की प्रणाली को बढ़ावा देती है। इसलिए स्कूल और कक्षाओं के स्थान का अधिकतम उपयोग शिक्षा के संसाधनों के रूप में किया जाना चाहिए। के बाद बात आती है सभी बच्चों की भागीदारी। इसमें हम समावेशी शिक्षा की भी बात करते हैं, यानी समाज के वर्ग के हर प्रकार के बच्चे, जो कितनी भी हम देखते हैं कि समाज में बहुत बड़ी हमारी सोशल डाइवर्सिटी है, उसमें ऐसे भी बच्चे आते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो सभी बच्चों की भागीदारी जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों के क्योंकि अपने अधिकार। फिर अनुशासन और सहभागी प्रबंधन। स्कूल में अनुशासन जो है वो जरूरी है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस भी बच्चे के लिए अहितकारी हो सकती है। फिर अभिभावकों और समुदाय के लिए स्थान। जैसे कि हमने बात की, बच्चे एक समुदाय में रह के सीखते हैं, एक उनका एक अलग एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो रहते हैं, तो समुदाय से किस प्रकार से लर्निंग हो सकती है। जैसे कि स्कूल में मान लीजिए मशीनों के बारे में कुछ कोई चैप्टर है, उसके बारे में मशीनों को पढ़ाया जा रहा है, मशीनों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो एक स्थानीय मैकेनिक को स्कूल क्लासरूम में बुलाया जा सकता है। हो सकता है वो अपने मशीन ठीक करने के अनुभव की जानकारी बच्चों को दे और वह ये बताए कि उसने गाड़ी ठीक करना कैसे सीखा।
इसी प्रकार से अन्य अन्य क्षेत्रों के लोगों को क्लासरूम में बुलाया जा सकता है, जिससे कि बच्चे उनसे ज्ञान प्राप्त करें। पाठ्यचर्या के स्थल और अधिगम के साधन, इसमें बात आती है टेक्स्ट बुक्स की, लाइब्रेरी की, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी, जो भी उपकरण, प्रयोगशालाएं और अन्य स्थल एवं अवसर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है शिक्षक की स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता। कई बार होता है कि शिक्षक जो है एक कह लें एजुकेशनल सिस्टम में बंधा रह जाता है, निश्चित समय में उसे निश्चित कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसको ये फ्रीडम नहीं मिल पाती कि वह अपने प्रकार से या क्लासरूम में या बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार भी कुछ कार्य करा सके। तो शिक्षक की स्वायत्तता और व्यावसायिक स्वतंत्रता जो है वो बहुत आवश्यक है। और इसके साथ ही साथ स्कूल का जो समय का निर्धारण है, जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग 3 घंटे और अन्य कक्षाओं के लिए 6 घंटे का समय, ये जो समय निर्धारण है इसकी भी बात की गई है NCERT। आखिरी या पंचम अध्याय है व्यवस्थागत सुधारों के बारे में। इसमें गुणवत्ता को लेके, शिक्षा की गुणवत्ता को लेके सरोकार की बातें की गई हैं। पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, जैसे कि आप सभी DLED के टीचर ट्रेनीज हैं, तो ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, BEd है, MEd है, इस प्रकार के बहुत सारे टीचर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, उनके पाठ्यचर्या में भी नवीनीकरण लाने की आवश्यकता है। एवं जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है उनके करिकुलम में भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। परीक्षा में सुधार, जैसे हमने पहले बात की कि परीक्षा कहीं ना कहीं एक तनाव और एक स्ट्रेस का कारण बनकर रह जाता है बच्चों के लिए, तो परीक्षा में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है। फिर शिक्षा की बात करें तो काम केंद्रित शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन, जिसको बच्चा जो है आने वाली जॉब या ऑक्यूपेशन से जोड़ पाए, ऐसी शिक्षा। विचार और व्यवहार में नवाचार, हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो इनोवेटिव थॉट्स, सिर्फ थॉट्स ही नहीं जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें भी इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है, चाहे करिकुलम में लेके इनोवेशंस हो, चाहे टीचिंग और लर्निंग में इनोवेशंस हो। और इसमें आखिरी बात की गई है नई साझेदारियाँ। कभी कम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, मतलब बहुत सारे NGOs हो सकते हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ये स्कूल एजुकेशन में स्कूल को सुदृढ़ बनाने में काम NGOs हैं, इस प्रकार की जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कार्य कर सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था का सुधार की बात करें तो नई साझेदारी को भी समझने की आवश्यकता है। तो अंत में अगर हम देखें तो पाठ्यचर्या की ये रूपरेखा यानी NCERT 2005 यह मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा के लिए क्या उपयोगी है, उन्हें क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इसके संबंध में एक बेहद दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये जो डॉक्यूमेंट है NCERT, वो हम सभी को समझना, स्पेशली जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन सभी के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि एक बार हम रिवाइज कर लें, NCERT ये जो डॉक्यूमेंट है ये NCERT द्वारा विकसित किया गया था, ये करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये यशपाल, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका विकास हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। NCERT जो डॉक्यूमेंट है इसको ज़रूर पढ़ें, और इससे कि आप आज जो इस लेक्चर में उसके सार को देखा गया है इसको विस्तृत रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।